अरुण गौर जी, मैडम जी, मुझे नाइटफॉल एट द एज ऑफ 14 स्टार्ट हो गया था एंड नाउ आई एम 25। वैसे हेल्थ ठीक भी है, बस वीक में 3 times नाइटफॉल होता है। अंतनु दास, मैम मेरा एज 17 है, मुझे नाइटफॉल होता है और कभी कभी दिन में जब सोता हूँ तब भी ऐसा होता है, मुझे परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। वेलकम टू थिंक पिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण गौर जी, नाइटफॉल एक बीमारी नहीं है, नाइटफॉल किसी भी तरह का कोई मेंटल कंडीशन नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। मैं थक गई हूँ ये बता बता कर सबको, फिर भी सब लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं होती। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, फीमेल्स को, लड़कियों को जिस तरह से पीरियड्स आते हैं, तो लड़कियों को अगर पीरियड्स आते हैं तो क्या वो बीमारी है? नहीं ना। तो इसी तरह से लड़कों को नाइटफॉल होता है, इसीलिए वो बीमारी नहीं है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। इससे किसी भी तरह की कोई वीकनेस नहीं आती, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, कुछ भी तकलीफ नहीं होती। ओके, 14 साल के हो, 25 साल के हो गए, इतने साल से आपको नाइटफॉल है, कुछ हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ ना, ये नॉर्मल है, इससे कुछ भी नहीं होता। कभी भी नाइटफॉल की अगर कोई आपको आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश करे कि नाइटफॉल एक बीमारी है या नाइटफॉल एक तकलीफ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो सिर्फ आपको आपके पैसे लूटना चाहते हैं और आपको फंसाना चाहते हैं। नाइटफॉल किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, इसीलिए उसका कोई भी इलाज नहीं है। प्लीज़ इस तरह के फालतू के इलाज आप मत ढूंढिए, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। ओके, अंतनु दास जी, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बीमारी है, तो आप एक टेस्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं पिनाइल डॉपलर स्टडी, PDS, तो वो एक बार कर लीजिए। तो वो एक तरह का आपके पीनस का सोनोग्राफी का रिपोर्ट है, तो वो आपको सोनोग्राफी के पास, सोनोग्राफी जो करते हैं सोनोलॉजिस्ट, उनके पास जाकर ये रिपोर्ट एक बार करा लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो इसमें ऐसा तो कोई पैथोलॉजी नहीं है, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप कंसर्न्ड हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपके फैमिली डॉक्टर को एक बार मिलकर बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आपको जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से थोड़े से कुछ एंटी डिप्रेसेंस या एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देंगे, कुछ 2 से 3 महीने का कोर्स कराएंगे, जिससे आपको कंप्लीटली आराम हो जाएगा। ऑलराइट, की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।